कैसा आप लोगों को फहरस्त होंगे। तो ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये सूजू वाले की जैसे सर बाइक है 600 cc बाइक है। तो इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि भाई ने जो है इसकी आप देख सकते हैं एक बैटरी है और एक बैटरी ये रखी है। तो भाई ने इसकी दो बैटरी चेंज कर दी है लेकिन मैकेनिक को अभी तक नहीं दिखाया था कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार इसकी बैटरी जो है डाउन क्यों हो रही है। तो भाई जो है आज मेरे पास ये बाइक लेकर के आया है तो मैं इसको जो है चेक करने वाला हूँ कि इसका जो डैम हुआ है वो करंट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो है इसके वोल्टेज को चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बैटरी के अंदर 12 वोल्ट 29 पॉइंट है, लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जो है 13 से 14 वोल्ट दिखा रहा था। यानी डैनवा जो है जो इसकी मैग्नेट कॉइल है वो इस वक्त ये सही दिखा रहा है, लेकिन इसकी जो मैग्नेट कॉइल है वो सही नहीं है। क्योंकि मैंने जो है इसको यहाँ से चेक किया था तो ये जो आप सॉकेट देख रहे हैं ये 3 फेज का सॉकेट है, ये डायरेक्ट जो है कॉइल में से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये अभी बिल्कुल भी यहाँ पे करंट नहीं दे रहा था। तो इसकी जो है कॉइल ख़राब है, मैं इसकी कॉइल को खोल करके जो है चेक करता हूँ उसकी पोजीशन की कॉइल जो है अंदर से किस तरीके की। देखा इसका धुआं जो है बतला रहा है कि इसकी जो कॉइल है वो खराब है। ये यहाँ से जो है कॉइल जल गई है, मैं इसको पूरा खोलता हूँ उसके बाद मैं जो आपको दिखाता हूँ। ये बाइक हमें धोखा दे रही है, साइकिल पकड़ गया।
ये देखो, यहाँ पे जो है शॉर्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो मैं चेक करने पे जो है वहाँ पे 13 से 14 वोल्ट दिखा रहा था। वोल्ट जो है वो फर्जी दिखा रहा था, ये जो है सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही थी कॉइल। लेकिन मैंने जो है इसको चेक करने से पहले जो है बता दी कि जो है कॉइल ख़राब है, और आपने जो है देख भी लिया, तो जो है इसकी कॉइल ख़राब है, इसकी कॉइल को जो है चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है इसका इलेक्ट्रिक फायर होता है चार्जर, उसको भी जो है चेक करना पड़ेगा। अगर ये कॉइल न्यू लगाने के बाद अगर ये सही वोल्टेज दे रहा है तो ये ठीक है, अगर कॉइल नहीं लगाने के बाद में भी ये सही वोल्टेज नहीं देता है तो फिर इसको भी जो है चेंज करना पड़ेगा। तो चलो इसकी कॉइल लगाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद में इसकी कॉइल डालेंगे। तो माशाल्लाह इसकी जो है मैंने फिटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं इसकी जो न्यू कॉइल है मैंने लगा दी है, ये जो है इसकी पुरानी कॉइल है। तो जैसे कि आपने देखा था यहाँ से जो है ये शॉर्ट हो गई थी, तो चलें इसको जो है चेक करते हैं स्टार्ट करके। दिखा रहा है, जब इसकी बैटरी 12 वोल्ट हो जाएंगे इसकी बैटरी में, तो ये जो है यहाँ पर 13 वोल्ट दिखाने लगेगा। तो ये जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।